रहे हैं हिंद 24 टीवी। वो भाजपा सांसद एवं वर्तमान एमएलसी विद्यासागर सोनकर ने आज मछली शहर के बसहरा में मछली शहर जिला उपाध्यक्ष राकेश शुक्ला के आवास पर संगठन के लोगों के साथ बैठक कर आगामी चुनाव के लिए बनाई रणनीति। इस अवसर पर जब उनसे पूछा गया कि आपके बूथ अध्यक्ष जो जमीनी कार्यकर्ता हैं अपनी उपेक्षा से आहत और असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी बूथ अध्यक्ष या जमीनी कार्यकर्ता आहत या उपेक्षित हो ही नहीं सकता। सुनिए एमएलसी को। काफ़ी दिनों से बूथ संगठन भी देख रहे हैं, प्रदेश स्तर का संगठन, आपके पार्टी की जो रीढ़ है बूथ अध्यक्ष जो जमीनी कार्यकर्ता कहे जाते हैं और जो वोटरों को मोटिवेट करके आपके पार्टी के पक्ष में वोटिंग कराते हैं, मैंने बहुत से ऐसे बूथ कार्यकर्ताओं से मिला जिनके अंदर यह हताशा है कि हमारी कई बातें सुनी नहीं जाती, हमारी उपेक्षा की जाती, इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो बूथ के अध्यक्ष है, हमारा पहले से ये नारा रहा है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, जीता बूथ जीता चुनाव, जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ हम वहाँ कम कैसे, इस आधार पर, इस सोच के आधार पर ये हमारी जो संगठन की नीति है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय है, उनकी मुख्य बातें तो समझ में आ जाती है। इसलिए कहीं भी इस तरह की न किसी के मन में कोई किसी तरह की न तो क्राइसिस है और न तो किसी तरह का कोई उनके मन में शंका है, न वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वो हमेशा अपेक्षित थे, अपेक्षित है और आगे कार्यकर्ता अपेक्षित रहेगा, क्योंकि हम पार्टी में जो डिफरेंस है, हम कार्यकर्ता आधारित